नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले क्रिस डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए क्विज कंपटीशन का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय स्तर के शिक्षकों ने छात्रों को दिए टिप्स। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्या और छिनतई की घटना में शामिल 7 अपराधी गिरफ्तार, हथियार हुआ बरामद। पांच दिवसीय भागलपुर रंग महोत्सव का हुआ समापन। नाटक मंचन में मणिपुर की टीम को मिला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार। विश्व एड्स दिवस को लेकर एएनएम की छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। एड्स से बचाव के लिए लोगों को किया जागरूक। और बांका में सूबे के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित ओपन थिएटर में रविवार को पुलिस पाठशाला की ओर से क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जी मीडिया और माइंड वॉर के सहयोग से आयोजित क्विज प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के क्विज शिक्षक आशीष मिश्रा और निश्चय घोष ने शिरकत की। इस दौरान शिक्षकों के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जीके और करंट अफेयर के बारे में मौजूद छात्रों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। SSP आशीष भारती ने कहा कि निःशुल्क पुलिस पाठशाला के क्विज प्रतियोगिता में 1200 छात्रों ने ऐप डाउनलोड किया था, जिसमें टॉप 54 छात्रों का चयन किया गया, जिसे 18 ग्रुपों में बांटा गया है। SSP ने कहा कि प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पटना और भागलपुर के छात्र शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस पाठशाला में शिक्षक और छात्रों का काफी सराहनीय योगदान रहा है और इस बार प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर सिटी SP सुशांत कुमार सरोज, रविकांत घोष सहित शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जो निःशुल्क पुलिस पाठशाला चलती है उसके तहत जी मीडिया और माइंड वॉर्स के सहयोग से एक क्विज का आयोजन किया गया है, जो एक भारतीय राष्ट्रीय स्तर के क्विज मास्टर हैं आशीष मिश्रा जी, वो आए हैं और यहाँ पे क्विज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले ऐप के माध्यम से करीब 1200 बच्चों के द्वारा उस पर डाउनलोड किया गया था और उसको क्विज में पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें से टॉप 54 बच्चों का सिलेक्शन किया गया था, जिनको 18 टीमों में बांटा गया था, जिनमें से टॉप तीन लोग हैं, जो एक टीम है वो उसको पुरस्कृत किया जाएगा। यह एक छोटा सा प्रयास है कि जो GK है, वो करंट अफेयर्स है, वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उसका महत्वपूर्ण स्थान रहता है और एक जो हम लोग क्लासेस करा रहे हैं उसको और बेहतर बनाने के लिए, मनोरंजक बनाने के लिए और ये चेक करने के लिए कि आप राष्ट्रीय स्तर पर किस लेवल पे हैं, यह एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। उस ऐप में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी सहायता प्रदान करेगा जो भी उनको आगामी एग्ज़ाम देने हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, BPSC है, UPSC है या अन्य कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें ये उनको बेहद मददगार रहेगा। खरीक जिला परिषद सदस्य गौरव राय के भाई सोनू राय हत्याकांड मामले में पुलिस ने कुख्यात अपराधी गरैया निवासी गोविंद कुमार को गिरफ्तार किया है। SSP आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। SSP ने कहा कि सोनू राय हत्याकांड में तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर गोविंद को गिरफ्तार किया गया। SSP ने बताया कि शनिवार की शाम गोविंद अपने सहयोगियों के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, जिसके बाद नौगछिया SDPO प्रवेंद्र भारती नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने छापेमारी कर गोविंद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गोविंद के अन्य सहयोगी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। तलाशी के दौरान अपराधी के पास से एक पिस्टल, एक गोली और 2 मोबाइल बरामद किया गया। SSP ने बताया कि गोविंद पर परवत्ता और बीपुर थाना में आधा दर्जन मामला दर्ज है। जिला पार्षद गौरव राय के भाई ऋतु ध्वज और सोनू राय की हत्या थाना अंतर्गत ग्राम जगतपुर के समीप जिला पहुंच पद पर टेक्नोमी मिशन स्कूल के पास हुई थी और इस घटना में प्रवर्तक थाना कांड संख्या 102/19 दर्ज किया गया था और इस घटना को काफी चैलेंज की तरह नवगछिया पुलिस के द्वारा लिया गया था और इसमें जो भी शामिल अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था SDPO नवगछिया के नेतृत्व में, जिसके द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी और इसी क्रम में यह सूचना मिली थी कि उक्त घटना में शामिल
अपराधी गोविंद कुमार जो कि परबत्ता थाना का ही रहने वाला है, वो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के एक अपराधी घटना को अंजाम देने के लिए ग्राम जय रामपुर के आसपास है। इस सूचना पर जो एसडीपी नवगछिया के द्वारा अपनी टीम के साथ छापेमारी की गई, जिसमें गोविंद कुमार को गिरफ्तार किया गया है और इसके तलाशी लेने पर इसके पास से एक लोडेड पिस्तौल, चार कारतूस और एक लोडेड देसी कट्टा और चार कारतूस और एक जियो कंपनी का मोबाइल फोन पकड़ा गया है। जब उससे पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि जो सोनू राय की हत्या हुई थी उस समय सोनू राय का जो मोबाइल फोन था इसके द्वारा छीन लिया गया था और इसके घर पे है और इस सूचना पर पुलिस के द्वारा वहां पे जाकर के जो मृतक का मोबाइल फोन उसके पास से उसके घर से बरामद किया गया है और इस प्रकार से इसमें एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, एक पिस्टल बरामद हुआ है, एक देसी कट्टा, चार गोली आठ गोली और दो मोबाइल बरामद किया गया है, जिसमें एक मोबाइल मृतक का है। अपराधी जो गोविंद कुमार है काफी मामलों में शामिल रहा था, जिसमें परबत्ता थाना कांड संख्या 7/16, 102/19 जो मर्डर का केस है दोनों, और परबत्ता थाना कांड संख्या 103/19 जो कि लूट का केस है, और अभी जो वर्तमान में बिहपुर थाना कांड संख्या 447/19 जो कि आम सख्त का केस है। तो इस प्रकार से इस मामले में महत्वपूर्ण अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और बरामदगी भी हुई है और साथ में इसमें जो शामिल अन्य अभियुक्त हैं उनके घर पे का कुर्की भी किया गया था और जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया गया। वहीं सबौर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इब्राहिमपुर पुल के समीप छापेमारी कर हत्याकांड के फरार अभियुक्त मंसरपुर निवासी संतोष यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने कहा कि पकड़े गए अपराधी का आपराधिक इतिहास रहा है। सबौर थाना क्षेत्र में भी ऐसी जानकारी मिली थी कि एक अपराधी अपराध करने की योजना बनाते हुए वहां पे संदिग्ध अवस्था में देखा जा रहा है और इसके बाद वहां पे सबौर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर रोड में वहाँ पे पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें से एक संतोष यादव जो कि पूर्व से ही एक हत्या के मामले में पहले से शामिल रहा है उसको गिरफ्तार किया गया है और इसको गिरफ्तार करने के साथ सबौर थाना कांड संख्या 348/19 जो कि आम सहकार केस है इसको दर्ज किया गया है और वहाँ पे भी घटना घटित होने से पहले अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। साथ में ही सबौर थाना कांड संख्या 290/19 जो कि 18 सितंबर की घटना है जिसमें मोबाइल की छिनतई की घटना घटित हुई थी उसमें तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम है राहुल कुमार, रितेश कुमार और अमरजीत कुमार और ये तीनों सबौर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से लूट के मोबाइल बरामद किया गया है और तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें एक और अभियुक्त बचा हुआ है जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं पुलिस ने किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचे पांच अपराधियों को दबोच लिया है। एसएसपी ने बताया कि अपराधियों के द्वारा घटना किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद सिटी डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। टीम में शामिल मोजैदपुर एवं बबरगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांचों अपराधी को हथियार के साथ मौके से दबोच लिया। भागलपुर पुलिस के द्वारा विशेष अभियान अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा है, जिसके तहत कल अपराध की योजना बनाते हुए 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 5 अभियुक्त कोतवाली उल्टा पुल के पास से गिरफ्तार किए गए हैं जो कि डीएसपी सिटी के नेतृत्व में मुजाहिदपुर थानाध्यक्ष, बबरगंज थानाध्यक्ष और कोतवाली थानाध्यक्ष के द्वारा जब वहां पे उनको ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि अपराध की कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ अपराधी आए हुए हैं जिसमें से कुछ भागलपुर जिला के हैं कुछ बाहर के हैं, तो जब इनके द्वारा छापेमारी की गई तो 5 अभियुक्त जिनके नाम है मोहम्मद परवेज जो कि मुफस्सिल थाना मुंगेर का रहने वाला है, मुन्ना शेख, मोहम्मद तबरेज, मोहम्मद शेरू और मोहम्मद इफ्तकार, इनको एक देसी पिस्टल, 6 राउंड जिंदा गोली, 5 मोबाइल सेट और एक हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। जो इनका आपराधिक इतिहास अभी तक के अनुसंधान में पता चला है इसमें मोहम्मद परवेज मुंगेर के मुफस्सिल थाना कांड संख्या 290/16 में भी शामिल रहा है और मोहम्मद तबरेज और मोहम्मद शेरू के ऊपर लूट और आर्म्स एक्ट के मामले भागलपुर में दर्ज हैं। इस प्रकार से एक बड़ी घटना को
अंजाम देने से पहले ही पांचों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई अपराधियों की। रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित 5 दिवसीय भागलपुर रंग महोत्सव का समापन रविवार को हो गया। इस दौरान मणिपुर के कलाकारों का महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, जिसमें प्रथम पुरस्कार से मणिपुर की टीम को नवाजा गया। अब संस्कृति के खिलाफ बहुभाषीय नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, कथक नृत्य, गीत संगीत, समूह नृत्य की शानदार प्रस्तुति कलाकारों के द्वारा दी गई। महोत्सव में देश के 18 राज्यों से आए कलाकारों ने अपने नाट्य कला के अभिनय से शहरवासियों को स्वच्छता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जागरूक किया। साथ ही इन कलाकारों के द्वारा देश की वर्तमान राजनीति को भी अपने नाटक के माध्यम से दर्शाया गया। इस मौके पर आयोजन समिति के सदस्य, शहरवासी एवं गणमान्य लोग मौजूद थे। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर भागलपुर के सदर अस्पताल परिसर से एड्स जागरूकता रैली निकाली गई। रैली पूरे अस्पताल परिसर का भ्रमण करते हुए शहीद भगत सिंह चौक चौराहे से गुजरते हुए एड्स से बचाव को लेकर आम लोगों को जागरूक किया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने एड्स को देश से मुक्त करने के लिए असुरक्षित यौन संबंध, इस्तेमाल किए गए सिरिंज का उपयोग नहीं करने के साथ कई उपाय बताए और कहा कि एड्स छूने से नहीं फैलता है। रैली में डॉक्टर फारूक अली, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर एके मंडल, स्वास्थ्य प्रबंधक जावेद मंसूर, सुब्रो मलाकार, ANM स्कूल के प्राचार्य परितोष, स्वास्थ्य कर्मी एवं काफी संख्या में ANM की छात्राएं मौजूद थी। सूबे के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल ने रविवार को बाराहाट प्रखंड में विधायक निधि से निर्मित विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया। मंत्री ने चचरा गांव स्थित कुम्हार पोखर में नवनिर्मित छठ घाट, मेला परिसर का सौंदर्यकरण, कचमचिया गांव में चौपाल एवं पंजवाड़ा डाकघर के समीप PCC सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान BJP प्रखंड अध्यक्ष सुभाष शाह, रासमोहन ठाकुर, ललित किशोर, भोला पासवान, कुंदन सिंह सहित काफी संख्या में NDA कार्यकर्ता मौजूद थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क TV। जी हां, अब पैक्स के अंतर्गत मिलने वाले सभी किसानों को लाभ मिलेगा। खाद, बीज एवं बैंक द्वारा किसानों को मिलने वाले कृषि लोन भी लेना होगा आसान। किसानों के हर संभव विकास के लिए संकल्पित चंदन कुमार महेशपुर फरीदमपुर पैक्स अध्यक्ष व्यापार मंडल सनहोला, निदेशक दी भागलपुर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड भागलपुर। चंदन कुमार को इस बार प्राथमिक साख समिति पैक्स अध्यक्ष के लिए भारी मतों से विजयी बनावे। भ्रष्टाचार मिटाना है, चंदन कुमार को जिताना है। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के आते ही तिवतन पोटाला मार्केट भागलपुर के तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर में खुल चुका है। यहाँ हर तरह के गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, साल, कंबल, टोपी, मफलर उचित कीमत पर उपलब्ध है। महिला, पुरुष एवं बच्चे के लिए बेहतरीन क्वालिटी एवं एक से एक डिजाइन में गर्म कपड़ों की रेंज उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही चले आइए तिवतन पोटाला मार्केट तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो। अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क TV। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
भागलपुर के टाउन हॉल में 11 दिसंबर से भागलपुर महोत्सव का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। 14वां भागलपुर महोत्सव में इस बार बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली थीम पर नाटक का मंचन किया जाएगा। वहीं महोत्सव में राष्ट्रीय कलाकार तोरसा सरकार, सिरसा रक्षित, गजलकार सनातन दीप, रंजन झा एवं लोक गायक सत्येंद्र सिंह महोत्सव में शिरकत करेंगे। महोत्सव का शुभारंभ रियलिटी शो से चर्चित सा भागलपुर की अम्मा स्वस्ति नित्या के नृत्य से होगा। सलाहकार रमन कर्ण एवं अध्यक्ष जियाउर रहमान ने बताया कि महोत्सव का उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री करेंगे। महोत्सव में लोकगीत, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ग्रुप डांस, दुल्हन श्रृंगार, मॉडलिंग, डांस प्रतियोगिता, देशभक्ति ग्रुप डांस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। आनंद राम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय बालिका व्यक्तित्व विकास शिविर का समापन रविवार को हो गया। व्यक्तित्व विकास शिविर के दूसरे दिन बालिकाओं के बीच विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्राओं ने योगाभ्यास, व्यायाम एवं साहसिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन भव्यता से किया, जिसमें डांडिया, पिरामिड एवं कराटा प्रतियोगिता शामिल थी। साथ ही कवार से जुगाड़ प्रतियोगिता में विद्यालय की छात्राओं ने कागज, प्लास्टिक, कपड़ा, कांच एवं लकड़ी का उपयोग कर सुंदर एवं आकर्षक फ्लावर पॉट, पेन स्टैंड, फोटो फ्रेम, डोरमेट एवं फूलों के गुलदस्ता का निर्माण किया। वहीं प्रतियोगिता में विजेता बहनों को मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। इसके पूर्व समापन सत्र का उद्घाटन विभाग प्रमुख बजरंगी प्रसाद, संयोजिका सरिता कुमारी, पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा, डॉक्टर लक्ष्मी पांडे एवं वीरेंद्र कुमार ने दीप जलाकर किया। डॉक्टर प्रीति शेखर ने बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छाई की कोई सीमा नहीं है। व्यक्तित्व का विकास शिक्षा, अनुशासन, व्यवहार, आहार, आत्मविश्वास एवं चिंतन से होता है। शिविर में भागलपुर और बांका जिले की 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सचिव शैलेश्वर प्रसाद, उप प्रधानाचार्य रविशंकर पांडे, मंजू वर्मा, सविता कुमारी, पंकज उपाध्याय मौजूद थे। सनहौला प्रखंड से निष्कासित जदयू कार्यकर्ताओं को फिर से पार्टी में शामिल कर रविवार को सनहौला ब्लॉक चौक के समीप कहलगांव विधानसभा स्तरीय जदयू कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व पार्टी से निष्कासित कार्यकर्ता राकेश यादव ने किया। इस दौरान विधान पार्षद ललन शर्राफ ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने की बात कही। दरअसल पूर्व जिला अध्यक्ष विभूति गोस्वामी ने तुगलकी फरमान जारी कर जदयू जिला महासचिव राकेश यादव और प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद मंडल को हटा दिया था, जिसके विरोध में दर्जनों जदयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दिया। मिलन समारोह आयोजित कर फिर से हटाए गए पार्टी कार्यकर्ताओं को जदयू में शामिल किया गया है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद काकाशाह परवीन, नाथनगर विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, जिला अध्यक्ष विजय कुमार सिंह, पंचम श्रीवास्तव, अर्जुन शाह, विधानसभा प्रभारी अमरेंद्र कुमार सिंह, अरविंद कुमार अकेला सहित दर्जनों जदयू कार्यकर्ता शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य था जो हमारे बिछुड़े हुए साथी थे, बिछुड़े साथियों को घर में वापस लाना था, जिसको मैंने समझा कि अयोध्या से जिस तरह से रामचंद्र जी का वनवास हो गया था, तो हमारे जो यहाँ मिलन समारोह में राकेश जी हैं और भी साथी हैं जो दल से निष्कासित किए गए थे या दल छोड़कर निष्क्रिय हो गए थे, उन लोगों को घर में वापसी करना, उन्हें सम्मान देना, संगठन के साथ जोड़ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जो योजना है कि संगठन का विस्तार हो, हर बूथ पे हम हों, उसका लक्ष्य और संकल्प को पूरा करने के लिए ऐसे तमाम साथियों को दल में वापस लाना, और नीतीश कुमार जी का जो एजेंडा है सामाजिक सरोकार हो, साथ निश्चय हो, भारत के संविधान के हिसाब से देश चलेगा, सर्वधर्म संभाव, कानून का राज, अमन चैन का माहौल, सांप्रदायिक सौहार्द, इन सब चीज़ों को लेकर बिहार के गौरव को बढ़ाने का काम, बिहार के विकास का काम जो नीतीश कुमार जी ने किया है, उसमें बिहार के 12 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर उसमें से जो भी कार्यकर्ता जदयू में जोड़ना चाहता है उसको जोड़ना मिलन समारोह का ये उद्देश्य है। भागलपुर के असानंदपुर स्थित आस्था नर्सिंग होम में रविवार को निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। जांच शिविर में हृदय, लीवर एवं किडनी रोग से ग्रसित मरीजों की जांच की गई। इस दौरान डॉक्टरों ने मरीजों की जांच कर उचित परामर्श दिया। डॉक्टर ओवैद अली ने बताया कि शिविर में 190 मरीजों की जाँच की गई है। इस दौरान मरीजों की भीड़ क्लिनिक में लगी रही।
भागलपुर के रामसर चौक स्थित टाइनी टोस स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन विद्यालय के कोऑर्डिनेटर विपिन कुमार गुप्ता एवं प्राचार्य मोहम्मद अजहर ने संयुक्त रूप से किया, जबकि मंच का संचालन मुशर्रत और वर्षा ने किया। वहीं प्रतियोगिता में छोटे छोटे बच्चों के वेशभूषा से मौजूद लोग काफी प्रभावित दिखे। इस दौरान बेबी सिटिंग के वीर प्रताप ने कृष्ण की वेशभूषा, युवराज पुलिस की वेशभूषा और अवरीश अख्तर मिस वर्ल्ड की वेशभूषा में आकर्षण का केंद्र रहे। नाथनगर के कनोडिया बाबा स्थान पटौदी मोड़ के समीप सुधा श्रीवास्तव की स्मृति में बने यात्री शेड का उद्घाटन MLC ललन शर्राफ, नाथनगर विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार सिंह, पंचम श्रीवास्तव, विधानसभा प्रभारी अमरेंद्र सिंह एवं युवा नेता पप्पू मंडल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। यात्री शेड का निर्माण ग्रामीणों एवं आम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। इस दौरान करीब 10 लोगों ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की, जिसका माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया गया। MLC ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में पूरे राज्य में विकास की गंगा बह रही है। वहीं विधायक ने कहा कि यात्री शेड के समीप पानी की जल्द व्यवस्था की जाएगी। मौके पर उदयकांत मिश्रा, अर्जुन प्रसाद शाह, डॉक्टर नीलू सिंह, सुनीता सिंह, सुभाष कुशवाहा, किशोर यादव सहित कई जदयू नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आशा ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए क्विज कंपटीशन का हुआ आयोजन, राष्ट्रीय स्तर के शिक्षकों ने छात्रों को दिए टिप्स। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्या और छिनतई की घटना में शामिल 7 अपराधी गिरफ्तार, हथियार हुआ बरामद। पांच दिवसीय भागलपुर रंग महोत्सव का हुआ समापन, नाटक मंचन में मणिपुर की टीम को मिला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार। विश्व एड्स दिवस को लेकर ANM की छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली, एड्स से बचाव के लिए लोगों को किया जागरूक। और बांका में सूबे के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।